सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैलेंज नीट यू जी इन टेन माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड एनमी योर बायोलॉजी मैंटोर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सोनॉमिकल कैटेगरी ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट स्पीसीज वी ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट जीनस वी ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट फैमिली नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस ऑर्डर्स ओके आज हम ऑर्डर्स की बात करने वाले हैं एंड इट इज रियली गोइंग टू बी एन अमेजिंग लेक्चर बिकॉज ऑर्डर के बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ पता लग जाएगा सो जस्ट लाइक स्पीसीज आर एग्रीगेटिंग टूगेदर द रिलेटेड स्पीसीज आर एग्रीगेटिंग टूगेदर टू मेक अ जीनस दू नो रिलेटिव जीनस जो है रिलेटेड जीनस जो है आपका साथ में आ रहे थे टू मेक अ फैमिली सो सिमिलरली यहाँ पर आपकी रिलेटेड फैमिली साथ में आएंगी टू मेक एन ऑर्डर सो इसमें कंपेरेटिवली लेस कैरेक्टर्स कॉमन होंगे एज कंपेयर टू फैमिली और जीनस और स्पीसीज आपको पता है स्पीसीज में मैक्सिमम कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं जीनस में थोड़े से कम हो जाते हैं फैमिली में और कम हो जाते हैं तो ऑर्डर में और कम हो जाएंगे आपके स्पेसिफिक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सो लेट्स टॉक अबाउट इट आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ सो इफ यू यू वांट टू हैव अ लुक कैन अदरवाइज लेट्स प्रोसीड अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं दिस इज द फ्रीली अवेलेबल ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर आप लोग जाकर डाउनलोड करके जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द पैक्स आई रिकमेंड यू गाइज की आप एक साल या दो साल का पैक यहां पर ऑप्ट करें

पूरी एक साल तक कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और आपको किस किस तरीके से काम करके अपने बेहतर बनाना है टू टैकल दिस एग्जाम नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर हम लोग की so हमने देखा था कि और क्या क्या थी फेलिडी फैमिली क्या थी फेलेडी फैमिली में कौन कौन इंक्लूड कैट्स इंक्लूड थी प्लस आपका जीनस इंक्लूड था यानी कि आपके टाइगर लियोपर्ड एंड योर लायन वगैरह सारे के सारे फैलिडी में इंक्लूड थे लेकिन आपका कैनेडी क्या था कैनेडी इज द फैमिली ऑफ योर डॉग्स ओके कैनेडी आपके डॉग की फैमिली थी जो कि रेड फॉक्स से कंपेरेटिवली रिलेटेड है सो डॉग एंड रेड फॉक्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली एंड कैट्स एज वेल एज द टाइगर वर फ्रॉम द सेम फैमिली इनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होते हैं सो so, आप क्या करोगे छोटी like okay? then then तो कैटेगरीज में आती है तो इनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं लेकिन जैसे ही आप फैमिली से आगे बढ़ोगे ऑर्डर की तरफ और फर्दर जब आप ऑर्डर से ज्यादा जाओगे आगे की तरफ तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा कि यहां पर ऑर्डर और उससे हाइयर जो टेक्सोनॉमिकल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखे और डिसाइड किया आपने एक एक कैरेक्टर नहीं पकड़ा क्योंकि इतनी सिमिलैरिटी नहीं हो सकती आपने ऐसा नहीं पकड़ा जेनेटिक कॉम्बिनेशन या फिर नंबर ऑफ बोन्स या फिर ये वो आपने कुछ बहुत ज्यादा लंबसम यहां पर काम नहीं किया, आपने क्या किया? एग्रीगेट देखा कि ज्यादा कैरेक्टर्स किसमें कॉमन है समझ लो आर कैरेक्टर्स ओके दो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग यू नो बेसिकली कैटेगरी के जिनके सत्तर कैरेक्टर्स कॉमन है और बचे हुए के सिर्फ तीस एक के सिर्फ बीस तो आप एग्रीगेट देखोगे कि हाँ यार मोर कैरेक्टर्स आर कॉमन

सो ऑर्डर बींग अयर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट्स फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स सेम बात यहां पर रिपीट हुई है जीनस कंटेन रिलेटेड स्पीसीज फैमिली कंटेन रिलेटेड जीनस तो ऑर्डर में क्या होगा ऑर्डर विल कंटेन रिलेटेड फैमिलीज दैट इज वेरी ऑब्वियस और स्पीसीज में कैरेक्टर्स कॉमन ज्यादा थे यहां पे थोड़े कम हुए यहां पे और कम हुए तो इसमें और फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आ जाएंगे दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड सो सिमिलर कैरेक्टर्स यहां पे कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली यानी स्पीशीज जीनस और फैमिली से कम कॉमन कैरेक्टर्स यहां पे देखने को मिलेंगे विच इज अ फैक्ट प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वलवेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स सो यहां पे एल्स जो होता है ये प्लांट के लिए एक सफिक्स होता है इन केस ऑफ ऑर्डर्स ओके एल्स इज अ पर्टिकुलर यू नो सफिक्स जैसे कि पॉलीमोनियल्स हो गया आपका हो हो गया हो गया पोएल्स सो एल्स इज बेसिकली अ सफिक्स जो कि पीछे लगता है इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली एनिमल्स में आप इसे यूज नहीं कर सकते ओके इट इज नॉट जनरलाइज फॉर द एनिमल्स यहां पर क्या हुआ बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स आपने फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे सोलन एसी फैमिली और कनवल बेसी फैमिली जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी इन्हें एक बड़े कैटेगरी में प्लेस कर दिया दैट इज ऑर्डर पोलिमोनियन इट फॉर दर पोलिद कैसे करेंगे आई एस का सिविल सर्विसेज का, का तो पीसीएस इज ऑल्सो वेरी रेप्यूटेड पोस्ट आपका आईएस बन सकते हैं आईपीएस बन सकते हैं पीसीएस बन सकते हैं सो पीसीएस इज ऑल्सो पोस्ट ओके सो पॉलीमोनियल इंक्लूड वॉट कन्वलवेसी एंड सोलिनेसी सिमिलरली एनिमल का जो ऑर्डर है कार्निवोरा इसमें कौन कौन आएगा इसमें फैमिली फेलिडी आ गई यानी आपकी कैट और टाइगर की फैमिली एंड कैनिडी आ गई यानी आपकी डॉग एंड रेड फॉक्स की फैमिली सो इन फैमिली को अब आपने एक यू नो एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पर देखा आपने इनको एग्रीगेट कैरेक्टर्स के बेसिस पर देखा और कहा कि हाँ यार इनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज के बेसिस पर इन्हें सेम ऑर्डर में फेंका जा सकता है एंड दैट ऑर्डर वाज कार्निवोरा ओके, okay, सो so कार्निवोरा के अंदर इन्हें प्लेस कर दिया गया जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ऑर्डर सो ऑर्डर कार्निवोरा विल इंक्लूड कैनेडी एज वेल एंड इट विल इंक्लूड द फेलिडी एज वेल ये फेलिडी को भी इंक्लूड करेगा सो so, जब आप लिखोगे अबाउट कैट और अबाउट टाइगर और अबाउट डॉग सो so, आप किंगडम एनिमिलिया ही लिखोगे फाइलम कोडेटा ही लिखोगे क्लास मेमोलिया ही लिखोगे ऑर्डर कार्निवोरा ही लिखोगे यहां गड़बड़ हो जाएगी यहां कैट के लिए फेलिडी आ जाएगा डॉग के लिए कैलेंडी आ जाएगा और नीचे उनका साइंटिफिक नाम आ जाएगा जो भी होगा वट इट इज ओके जैसे पेंथेरा टिक्रिजेरा लियो वो सारी चीजें जीनस और स्पीस बाइनोमियल नाम से निकालकर यहां पर लिख दी जाएंगी और यह आपकी पूरी की पूरी हैरार की हो जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम ओके हेयर इट इज डोमेन बट एट स्टार्ट फ्रॉम किंगडम क्योंकि किंगडम आपकी सबसे बड़ी आपकी यू you नो know, ट कैटेगरी है टू द स्पीस आप इसको इस तरीके से असेंबल कर सकते हैं सो आई होप यू गाइज गोट टू नो अबाउट ऑर्डर वेरी वेल अगर आप लोगों को बिग फैट थाम्स अप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है प्लीज उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको मेरे सारे के सारे स्पेशल क्लासेस यूट्यूब सेशन के लिंक्स मिलते रहे और कोई भी अगर फ्यूचर अपडेट आता है तो आप You know, सबसे पहले जान पाए हमारे इस चैनल के बारे में सो लॉर्ड्स ऑफ लव गाइज थैंक यू सो मच आल कैच इन द नेक्स्ट वीडियो